हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे टाटा नैनो इलेक्ट्रिक कार के खासियत के बारे में। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट और देखते हैं इसके फीचर्स के बारे में। टाटा नैनो का अस्तित्व तो खत्म हो गया है, लेकिन अब इसके इलेक्ट्रिक वेरिएंट की अक्सर चर्चा होती रहती है। लोगों को लगता है कि आने वाले समय में टाटा मोटर्स अपनी नैनो का इलेक्ट्रिक वेरिएंट भी लॉन्च कर सकती है, लेकिन क्या ऐसा संभव है या नैनो इलेक्ट्रिक कार को लेकर के बात आगे बढ़ सकती है? आज हम आपको इन्हीं सारे सवालों के जवाब बताने वाले हैं। दरअसल आप रतन टाटा को जिस नैनो इलेक्ट्रिक के साथ देखते हैं, उसे खासतौर पर इलेक्ट्रा ईवी नामक कंपनी ने तैयार किया है और फिर रतन टाटा को गिफ्ट की है। इसके 150 किलोमीटर प्रति चार्ज तक की बैटरी रेंज का दावा किया गया है। आपको बता दें कि साल 2018 में कोयम्बटूर बेस्ड कंपनी जेएम ने अपने बेज के साथ इसके इलेक्ट्रिक वेरिएंट जेएम नियो इलेक्ट्रिक को लॉन्च किया था और फिर इसकी 400 यूनिट को कैब एग्रीगेटर ओला को सौंपे जाने की बात कही थी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो जेएम नियो या टाटा नैनो इलेक्ट्रिक को सिर्फ कॉमर्शियल व्हीकल के रूप में बेचे जाने की बात की जा रही है। ऐसे में जो लोग इसे खरीदकर अपने पर्सनल यूज की सोच रहे हैं, उन्हें निराशा हो सकती है। हालांकि आने वाले समय में हो सकता है कि टाटा मोटर्स भी रतन टाटा की इस फेवरेट कार को लोगों के लिए फिर से पेश करने का मन बनाए और इस बार इसे 5 लाख तक की रेंज में 150 किलोमीटर तक की रेंज के साथ पेश किया जा सकता है। आने वाले समय में ही इसके बारे में डिटेल्स में पता चल जाएगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा इस चैनल में बने रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।